कल्पना करेंगे द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट और जो नेक्स्ट थिंग आप इमेजिन करेंगे वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को करेंगे जो शहनाई के उस्ताद थे उनको ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए आप कल्पना करेंगे तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं एम्प्रर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड जो एम्प्रर औरंगजेब थे उन्होंने बैन लगा दिया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसे प्ले करने से रॉयल रेजिडेंस में और वो बैन क्यों लगा दिया क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही लाउड थी और अनप्लेजेंट थी पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकरस और जो पुंगी था वो एक जेनरिक नेम बन गया रीडेड नॉइस मेकर के लिए तो रीडिड क्या होता है रीडिड विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट उसके अंदर रीड्स लगी होती है जैसे कि फ्लूट होती है फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव मतलब ये दोबारा से पॉपुलर हो जाएगी और ये दोबारा यूज में आ जाएगी

उसने फैसला लिया कि वो इम्प्रूव करेगा टोनल क्वालिटी टोनल क्वालिटी मीन्स उसके साउंड की जो क्वालिटी है पुंगी की उसको वो क्या करेगा इम्प्रूव करेगा ही चोज ए पाइप विद ए होलो स्टेम दैट वॉज लोंगर एंड ब्रॉडर देन पुंगी उसने एक पाइप को चुना जो अंदर से नेचुरल तरीके से होलो था खोखला था और जो पुंगी से ज्यादा लॉन्गर और ब्रॉडर था मतलब वो लॉन्ग था और ब्रॉड थोड़ा चौड़ा भी ज्यादा था एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और उस बार्बर ने सेवन होल कर दिए उस पाइप की बॉडी पर वेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग समीज होल्स जब उसने इसको प्ले किया बंद करके और खोल कर इसके कुछ होल्स को तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस उससे सॉफ्ट और मधुर और मीठी आवाज निकली ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेसड उसने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया रॉयलिटी के सामने मतलब जो रॉयल फैमिली थी उसके सामने राजा का दरबार था वहां पर उसने प्ले किया और हर कोई वहां पर इम्प्रेस हो गया द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिफरेंट था अलग था पुंगी से इसलिए उसे कोई नया नाम दिया जाना था एज द स्टोरी गोज जैसे कि स्टोरी कहती है सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द दाह चैम्बर इसे फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था शाह के चैंबर में शाह के रूम में एंड वॉज प्लेड बाय अ बाई और उसको किसने प्ले किया था एक नाई ने बारबर ने द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई और इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई शाह प्लस नाई शहनाई तो जो पुंगी होती थी स्टूडेंट्स वो इस तरीके की होती थी और उसकी जो साउंड थी वो कैसी होती थी श्रिल एंड अनप्लेजेंट लेकिन बाद में जब इसे रिवाइव कर दिया गया तो ये शहनाई बन गई इस तरीके से और इसकी जो साउंड थी वो बहुत ही मेलोडियस थी द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस जो साउंड थी शहनाई की उसे कंसिडर्ड किया जाने लगा माना जाने लगा ऑस्पिशियस उन्हें शुभ माना जाने लगा स्पीशियस हम किसको कहते हैं जो हमारे लिए गुड फॉर्चून लेकर आती है कोई भी चीज अच्छा भाग्य लेकर आती है हमारे लिए शुभ होती है एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग और यही रीजन है कि इसको अभी भी प्ले किया जाता है मंदिरों में टेम्पल्स में और एक इनडिस्पेंसेबल इनडिसबल हम किसे कहते हैं विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता तो ये एक इनडिसबल कॉम्पोनेंट पार्ट बन गया किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का तो शहनाई एक जरूरी हिस्सा बन गया है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नोबत और ट्रेडिशनल ऑन ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स पास्ट में क्या होता था जो शहनाई थी वो एक पार्ट होती थी नौबत का नौबत क्या होता है नो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को हम ऑन बोलते हैं तो वो राजा के दरबार में जो रॉयल कोर्ट होता था वहां पे नो इंस्ट्रूमेंट होते थे जो प्ले किए जाते थे और उन नाइन इंस्ट्रूमेंट में से एक शहनाई होती थी टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले तक ये यूज की जाती थी शहनाई टेम्पल्स में और वेडिंग्स में शादियों में और मंदिरों में यूज़ की जाती थी द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान लेकिन जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है वही थे जो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए थे एज ए फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पोन इन द एशंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार जब वो फाइव ईयर ओल्ड थे बिस्मिल्ला खान वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास जो एक पुराना एस्टेट था डुमराव का और कहाँ पर था बिहार में ही वुड रेगुलरली गो टू दियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता वो रेगुलरली जाते थे बिहारी जी के टेम्पल में जो पास में ही था और वहां पे भोजपुरी चैता गाया करते थे चैता एक तरीके का क्लासिकल सॉन्ग होता है मतलब भजन टाइप होता है जो मंदिरों में गाया जाता है एट द एंड ऑफ व्हिच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा जब उस चैता का भोजपुरी सॉन्ग का एंड होता था तो उनको एक लड्डू एक प्राइज के रूप में दिया जाता था उस लड्डू का वजन कितना होता था 1.25 पॉइंट और वो एक लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था दिस हैपन एटी ईयर्स एगो एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न ये 80 साल पहले हुआ था और वो जो छोटा सा लड़का था वो बहुत ही आगे निकल गया इतना आगे निकल गया कि उन्होंने क्या अर्न कर लिया हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिला और वो क्या था द भारत रत्न उन्हें भारत रत्न दिया गया बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार जो बिस्मिल्ला खान थे वो 21 मार्च 1960 को बोर्न हुए थे पैदा हुए थे और वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन फैमिली से संबंध रखते हैं जो बिहार से है हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम रसूल बख्श खान था वो शहनाई नवाज थे कहाँ के भोजपुर किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज मतलब वो भोजपुर किंग के दरबार में कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे शहनाई को प्ले किया करते थे हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स जो उनके फादर थे पैगंबर बख्श और उनके जितने भी पैटर्नल इंसेस्टर्स थे पैटर्नल क्या होते हैं जो फादर की तरफ से होते हैं उन्हें हम पैटर्नल कहते हैं और जो मदर की तरफ से होते हैं उन्हें हम मैटरनल कहते हैं तो उनके जो पैटर्नल इंसेस्टर्स थे मतलब फादर की तरफ से जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ वो यंग बॉय बिस्मिल्ला खां उन्होंने शुरू कर दिया म्यूजिक को सीखना अपनी लाइफ में बहुत जल्दी शुरू कर दिया एट द एज ऑफ थ्री वेन इज मदर टू किम टू हिस्स मैटर हाउस इन बनारसम खांस फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई जब बिस्मिल्ला खां की एज तीन साल की थी तो उनकी मदर उन्हें उनके मैटरनल अंकल के पास ले गई मैटरनल अंकल मीस जो उसके मामा थे उनके पास उनको ले गई उनका घर कहाँ पे था बनारस में बिस्मिल्ला खां बहुत ही फैसिनेटेड हो गए बहुत ही अट्रैक्टेड हो गए अपने अंकल को देखकर प्रैक्टिस करते हुए शहनाई की सोन बिस्मिल्ला स्टार्टेड ए हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई जल्दी ही बिसमिल्ला ने शुरू कर दिया ए कंपनी देना साथ देना साथ जाना शुरू कर दिया अपने अंकल अली बख्श के साथ कहाँ पर जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल में बनारस के जहां पर बख्श एम्प्लॉयड थे किसके लिए शहनाई को प्ले करने के लिए वो एम्प्लॉयड थे मतलब वहां पर वो शहनाई बजाया करते थे विष्णु टेम्पल में अली बख्श वुड प्ले शैनाई द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड अली बख्श शहनाई को प्ले किया करते थे और जो बिस्मिल्ला खान थे वो बैठ जाते थे वहां पर कैप्टिवेटेड होकर मतलब स्पेल बाउंड होकर मंत्र मुग्ध होकर वहां पर बैठ जाते थे कई घंटों तक ऑन एंड मतलब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग वहां पर बैठे रहते थे बिना रुके हुए वहां पर सुनते रहते थे अपने अंकल को शहनाई को प्ले करते हुए स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे स्लोली धीरे धीरे उन्होंने भी शुरू कर दिया लेसन लेना शहनाई को प्ले करने में इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में और बैठे रहते थे प्रैक्टिस करते हुए पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे फोर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड कई सालों तक जो आने वाले ईयर्स थे जो टेम्पल था बालाजी का और मंगला मैया का और जो गंगा किनारे थे मतलब बैंक्स ऑफ द गंगा थे वो उस यंग अप्रेंटिस के उस ट्रेनी के जो सीख रहा था बिस्मिल्ला खान उसके फेवरेट होन्स बन गए क्या होता है जो फेवरेट प्लेस होते हैं वो बन गए तीन कौन से बन गए बालाजी का टेम्पल मंगला मैया का और बैंक्स ऑफ द गंगा ऐसी जगह बन गई जहां पे वो बार बार जाते थे और जहां पे वो प्रैक्टिस करते थे सोलिट्यूड में अकेलेपन में प्रैक्टिस करते थे द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियड द रेंज ऑफ द शहनाई जो बहता हुआ पानी था गंगा का वो उन्हें प्रेरणा देता था इंस्पायर करता था इम्प्रोवाइज करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए नया अविष्कार करने में और खुद से इम्प्रोवाइज करने में सुधार करने में रागास को उन रागास को जो पहले क्या माने जाते थे कि वो किससे परे हैं शहनाई की रेंज से परे हैं शहनाई से जिन राग को प्ले नहीं किया जा सकता था उन्होंने वो राग भी प्ले करना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ फोर्टीन बिसमिल्लाड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जब बिस्मिल्ला खान की एज फोर्टीन ईयर थी तो उन्होंने एक्पनी किया वो साथ में गए अपने अंकल के और कहाँ गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट जब एंड हुआ उस रिसाइटल का उस प्रोग्राम का तो उस्ताद फयाज खान ने थपथपाया थपाया बिस्मिल्ला खां की पीठ को और कहा मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे तुम सीख जाओगे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्ला बिग ब्रेक जब ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 को तब बिस्मिल्ला खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया ही सून बिकेम एन ओपन हर्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो जल्दी ही उन्हें अक्सर सुना जाता था शहनाई को प्ले करते हुए रेडियो पर वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन बिसमिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीड द नेशन विद दिस शहनाई जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को जो बिस्मिल्ला खां थे वो फर्स्ट इंडियन थे कि उन्होंने ग्रीट किया स्वागत किया नेशन का देश का अपनी शहनाई के साथ ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन टू द राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने अपने दिल को उडेल दिया एक राग कॉफी में जो रेड फोर्ट से उन्होंने गाया ऑडियंस के सामने और वो ऑडियंस जिसमें महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे हु लेटर हिज फेमस विद डेस्टिनी स्पीच जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड बिस्मिल्ला खान ने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और विदेश में भी अब्रॉड में भी His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. उनकी जो पहली ट्रिप थी एब्रोड विदेश में वो अफगानिस्तान में थी जहाँ के किंग जाहिर शाह इतना अट्रैक्ट हो गए इतना चामड हो गए इतने स्पेल बाउंड हो गए उस्ताद बिसमिल्ला खां की शहनाई को सुनकर कि उन्होंने गिफ्ट कर दिया उनको एक बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट गिफ्ट कर दिया और भी कई सुवीनियर्स दिए हम किन को बोलते हैं थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस पर्सन और इवेंट वो चीजें जो याद के रूप में दी जाती हैं किसी प्लेस के पर्सन के या किसी इवेंट के मतलब वो अफगानिस्तान गए थे तो उसकी याद में कि आप अफगानिस्तान आए थे हमारी एक याद लेकर जाइए तो उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट्स दे दिए द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लास म्यूजिक जो किंग थे अफगानिस्तान के वो इकलौते नहीं थे अकेले नहीं थे जो फैसिनेटेड हुए थे जो अट्रैक्ट हुए थे बिसमिल्ला के म्यूजिक के साथ फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिमिल्ला प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो इतने इम्प्रेस हो गए थे सुनने के बाद बिसमिल्ला खां को प्ले करते हुए एक फेस्टिवल पर शहनाई प्ले करते हुए कि उन्होंने नाम रख दिया एक फिल्म का और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई द फिल्म वॉज ए हिट जो फिल्म थी बहुत हिट रही एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन और एक कम्पोजिशन जो गाना था बिस्मिल्ला खान का दिल का दिल खिलौना हाई टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्टस्टर वो जो गाना था वो क्या निकला नेशन वाइड चार्टस्टर निकला चार्टस्टर हम किसे बोलते हैं जो जो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे उस गाने ने काफी रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. इतनी सफलता मिलने के बावजूद इस फिल्मी दुनिया में सेलोलॉइड हम किसको बोलते हैं ओल्ड फैशन में फिल्मों को रेफर करते हैं फिल्म के वर्ल्ड में इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्ला खान का जो वेंचर था फिल्म म्यूजिक में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ दो म्यूजिक तक ही लिमिटेड थी विजय भट्ट गूंजुटी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सनाधि अपन्ना उनका जो म्यूजिक था दो फिल्मों तक के लिमिटेड था एक फिल्म तो विजय भट्ट की जिसका नाम गूंजी शहनाई था और दूसरी फिल्म विक्रम श्रीनिवास की कनाडा की मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फसिस तो बिस्मिल्ला खान क्या कहते हैं कि मेरी शायद बनती ही नहीं इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के साथ और ग्लैमर वाले वर्ल्ड के साथ जो फिल्मों का वर्ल्ड है वो ग्लैमर वाला और एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है मेरी शायद उसके साथ नहीं बनती वो ये बात जोर देकर कहते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट जो अवार्ड्स थे और जो रिकॉग्निशन थी पहचान थी वो बहुत ज्यादा मिली और ग्रेट नंबर में मिली बिस्मिल्ला खान को हम बोलते हैं रैपिड और ग्रेट नंबर में मिलना उनको बहुत ज्यादा पहचान और अवार्ड्स मिले तो तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बिस्मिल्ला खान थे वो पहले इंडियन बने की उन्हें इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बहुत ही फेमस लिंकन सेंटर हॉल में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन दसाका ट्रेड फेयर उन्होंने हिस्सा लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी और एक आर्ट फेस्टिवल में जो कैंस में हुआ और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनलीम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मौसीकी उस्ताद बिसमिल्ला खान इतने वो इंटरनेशनली फेमस हो गए कि एक ऑडिटोरियम तेहरान में उनके नाम पर रख दिया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया ताहर मौसिक उस्ताद खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम जो नेशनल अवार्ड्स थे जैसे कि पद्मश्री पदमा भूषण और पद्म विभूषण उन्हें दिए गए कन्फर का मीनिंग होता है जो अवार्ड या डिग्री किसी को दी जाती है तो उन्हें ये अवार्ड दिए गए इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो दिया गया द भारत रत्न विद द कोवेेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट

उन्होंने ये कहा मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ ये हिंदुस्तान की बहुत रिचेस्ट ट्रेडिशन है एक परंपरा है बहुत ही अच्छी परंपरा है अब तो जो वेस्ट है जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी हमारा म्यूजिक सीखने आ रही हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब एज ई फोनली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फोन ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल्ड पूरा वर्ल्ड घूमने के बावजूद भी जो खान साहब थे, थे बनारस को और डुमराव को ये जो दो टाउन थे उनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन थे वर्ल्ड के दुनिया के अटूडेंट ऑफिस वंस वॉन्टेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन दू एस एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर एक उनका स्टूडेंट जो एक बार चाहता था कि वो एक शहनाई स्कूल को हेड करें उसको चलाएं यूएसए में और स्टूडेंट ने वादा किया प्रॉमिस किया कि वो रिक्रिएट कर देगा किसके एटमोसफियर को बनारस के बनारस जैसा एटमोसफियर वो बना देगा कैसे बनाएगा रेप्लीकेट करके टेम्पल्स को वैसे ही टेम्पल वहां पे बना देगा यूएसए में बट खान साहब Asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने उससे पूछा क्या तुम ट्रांसपोर्ट कर पाओगे गंगा रिवर को भी क्या गंगा रिवर को भी यहाँ ले आओगे लेटर ही इज रिमेम्बर में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरन कंट्री यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ फॉरन कंट्री में होता हूँ आई कीपनिंग मैं यर्निंग करता रहता हूँ मेरी इच्छा बने रहती है टू सी हिंदुस्तान हिंदुस्तान को देखने की वाइल इन मुंबई और जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा उस समय मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ एंड वाइल इन बनारस और जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव मैं मिस करता हूँ वो यूनिक मठा को डुमराव के

वो विरासत जो बिना किसी प्रयत्न के एफर्ट के एक्सेप्ट कर लेती है कि एक डिवाउट मुस्लिम डिवाउट हम कैसे बोलते हैं जो बिलीव करे स्ट्रॉन्गली अपने रिलीजन में वो एक डिवाउट मुस्लिम थे अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे उस जैसा पर्सन वो बड़ा ही नेचुरली प्ले कर सकता है शहनाई हर सुबह काशी विश्वनाथ के टेम्पल में मतलब एक मुस्लिम होते हुए भी वो काशी विश्वनाथ के टेम्पल में शहनाई को प्ले करते हैं ये इंडिया की एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है एक विरासत है सांस्कृतिक विरासत है तो यहाँ पे ये लेसन एंड होता है इस लेसन में पढ़कर आपको पता लग ही गया होगा कि ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है उनकी लाइफ के बारे में है कि वो कहाँ के रहने वाले थे कैसे वो फेमस हुए उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से थे और उन्हें एक दिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला भारत रत्ना का ये स्टोरी भी फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत ही इंस्पायरिंग है आई होप आपको अच्छे तरीके